सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर किसी सिस्टम के सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जब हमने पढ़ना शुरू किया था काइनेमेटिक्स से या लॉज ऑफ मोशन से, तो सारी चीज़ें वहाँ पर पार्टिकल ही थी। अब हम जैसे जैसे रोटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रोटेशन पर पहुँचने से पहले हमको सेंटर ऑफ मास इसलिए पढ़ना है क्योंकि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगी उसका साइज़ और शेप मैटर करेगा। लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में सारी चीज़ें पार्टिकल ही थी, उनका साइज़ और शेप मैटर नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर उनका शेप और साइज़ मैटर करेगा। ठीक है, तो अब जब कोई रिजिड बॉडी, एक कोई रिजिड बॉडी जिसको कि हम एक पार्टिकल की तरह से नहीं मान सकते, जिसको कि हमें कई सारे पार्टिकल से मिल के बना हुआ मानना है, ऐसी कोई बॉडी है, तो आखिर उस बॉडी के किस पार्टिकल को स्टडी किया जाए? उसमें तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। एक रिजिड बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो पता नहीं कितने हजारों लाखों पार्टिकल्स हैं, तो आखिर किस पार्टिकल के मोशन को स्टडी करें? उसमें हर एक पार्टिकल के मोशन को अगर स्टडी करने लगे तो स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो करते क्या है हम ऐसे, हम करते ये है कि जो ऑब्जेक्ट गिवन होती है, जो भी बॉडी होती है, उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी कर लेते हैं। अब एक चीज़ और समझ लो कि जब हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े थे तो जो फार्मूला था नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन किसका हुआ करता था? एक सिंगल पार्टिकल का होता था। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास जिसमें कई सारे पार्टिकल हैं, तब ये एक्सेलरेशन किसका होगा? तब ये एक्सेलरेशन है उसके सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, इसी तरह से जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी किसकी है? ये भी सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कई सारे पार्टिकल्स में मिलकर बने हुए हैं, हर एक पार्टिकल की स्पीड अलग अलग हो सकती है, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें पूरी बॉडी के मोशन को अगर स्टडी करना है तो हम किसको स्टडी कर लेते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर लेते हैं। तो ये m क्या है? बॉडी का टोटल मास है, और vcm क्या है? उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। अब अगर हम किसी उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के किसी और पार्टिकल को स्टडी करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास को स्टडी नहीं करना, हमें कुछ और पार्टिकल की पोजीशन देखनी है, तो उसको देखना बड़ा आसान होता है अगर हम सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देख लें। अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाता है, कोई ऑब्जर्वर अगर सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाए, तो उसे बॉडी का मोशन कैसा दिखाई देगा? उसे बॉडी का मोशन दिखेगा प्योर रोटेशन। अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाए तो उस बॉडी का मोशन कैसा दिखेगा? उसको प्योर रोटेशनल मोशन दिखता है। ठीक है, तो अगर उसको प्योर रोटेशनल मोशन दिखता है, तो फिर रोटेशन के फॉर्मूले लगा के, सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले लगा के उस पार्टिकल को स्टडी किया जा सकता है। देखो, जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर को थ्रो किया तो ये घूमते हुए जा रहा है कहीं पर, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में घूमते हुए जा रहा है सपोज। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ये जो पार्टिकल है ये कैसे मूव कर रहा है, या इसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो उसका एक आसान सा तरीका ये है कि मैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट देख लूँ कुछ टाइम के बाद कहाँ पर है, और सेंटर ऑफ मास पर बैठ के फिर इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट देख लूँ। नहीं समझे बात को? तो इससे मोशन स्टडी की जो स्टडी है वो इजी हो जाती है। प्रोजेक्टाइल मोशन भूल तो नहीं गए? अभी कुछ ही दिन पहले तो पढ़ा है, याद है ना। खैर, तो अब हम एग्ज़ाम की इतनी सारी जो है लेक्चर बंद करके इस पर काम की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम में जिस काम की चीज़ होती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है? सबसे सिंपल चीज़ ये है कि किसी भी सिस्टम का मास जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, वो पॉइंट क्या है? उसका सेंटर ऑफ मास है। जैसे कि ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर को अगर तुमने किसी पॉइंट पर ऐसे बैलेंस कर लिया, अब मेरे साथ हो नहीं रहा है, अभी थोड़ी सी मेहनत करो और अगर बैलेंस कर लो, तो जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो गया, वो पॉइंट इस पूरे रजिस्टर का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का? तो सेंटर ऑफ मास में हमको तीन चीज़ें पढ़नी है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
इनिशियली हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, लोकेशन उसकी कहाँ पर है ये निकालना, और तुम्हारे स्कूल के एग्जामिनेशन में इसके डेरिवेशन भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो अगर हमको ये दिया गया है कि कोई सिस्टम है जो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एक सिस्टम कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनके मासेस हैं m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन mn। अगर m1 पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, m3 का पोजीशन वेक्टर r3 है और m4 का पोजीशन वेक्टर है r4, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, RCM इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 mn। यह इसको सिंपली हम लिख सकते हैं RCM इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास m, सिस्टम का टोटल मास हो गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है RCM को कि XCM i cap प्लस YCM j cap प्लस ZCM k cap इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है XCM, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है YCM, z कोऑर्डिनेट है ZCM। तो जो RCM है उसको ऐसा लिख सकते हैं ना पोजीशन वेक्टर को एक्स वाई जेड की टर्म्स में, तो इसी तरह से इसको भी लिखा जा सकता है m1 into x1 i cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap प्लस m2 into x2 i cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास m, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स इक्वेट कर देते हैं, आई कैप के साथ लेफ्ट साइड में क्या है XCM, तो XCM इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर m1x1 प्लस m2x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास m। सिमिलरली यहाँ से j कैप का कोफिशिएंट कितना है YCM के बराबर है, तो उसको मैंने लिखा YCM इक्वल्स टू यहाँ पर j कैप के साथ कितना है y1, तो ये हो जाएगा m1y1 m2y2 प्लस m3y3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास m। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ZCM, समझ गए xyz कोऑर्डिनेट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से निकाला करेंगे। हाँ ठीक 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 रुक जाओ। ठीक है, तो अभी बोल रहे थे एक मिनट, अब बोल रहे हो दो मिनट। क्यों निकेत, चलो हो गया। अब हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, एक सिस्टम है जिसमें केवल दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कि कहां पर है, तो लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालना है उसके लिए ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन
हमको किस ओरिजिन के रिलेटिव निकालना है, यानी ओरिजिन कहाँ पर लेंगे, किसके रिलेटिव निकाल लें, मान लो m1 के रिलेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू m1, मतलब ओरिजिन कहाँ पर लिया है हमने, m1 पर लिया है। तो मेरे लिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, सपोज ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। तो इसका अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालें, xcm, तो xcm को हम लिखेंगे m1 into x1। m1 का x कोऑर्डिनेट कितना है, m1 का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, प्लस m2 का है r, तो ये कितना आया, m1 into 0 प्लस m2 into r अपॉन m1 प्लस m2। तो xcm equals to ये आता है m2 r अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अगर कोई हमसे कहता कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या डिस्टेंस निकालो कहाँ से, m2 से, अगर हम m2 से निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, उस केस में xcm डैश इक्वल टू, मैं लिखता यहां पर m2 into 0 प्लस m1 into r अपॉन m1 प्लस m2। तो xcm डैश इक्वल टू कितना आता, m1 r अपॉन m1 प्लस m2, इतना आता है। ये मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया कि देखो, जब हम m1 से निकाल रहे थे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की, तो न्यूमरेटर में m2 आया था, m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और जब हम डिस्टेंस निकाल रहे थे m2 से कि m2 से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, तो न्यूमरेटर में आता है m1, यानी जिस पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल रहे थे उसका मास न्यूमरेटर में नहीं आएगा, तो m1 r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास की, यहाँ से मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सिचुएटेड था, ये सेंटर ऑफ मास है, और इस डिस्टेंस को मैंने कितना नाम दिया, कितनी डिस्टेंस है ये, r1। तो बेसिकली r1 ही क्या है, xcm है ना, r1 का मतलब क्या है, r1 इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2, ये r1 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है m2 से, इसको मैंने लिखा r2, तो r2 कितना होगा, r2 इक्वल टू होगा r माइनस r1, तो इसको r माइनस r1 करने पर कितना आएगा, m1 r अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, अगर हमने टू पार्टिकल सिस्टम लिया है, तो m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होती है, m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और m2 से कितनी डिस्टेंस पर है, m2 से m1 r अपॉन m1 प्लस m2। जिस पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है उसका मास न्यूमरेटर पर नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझेंगे इससे, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार बहुत हेल्पफुल होगी, वो ये है कि ये r1, r1 क्या है बताओ जरा, श्रेया बोलो r1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम m1, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। तो अगर मैंने m1 को मल्टीप्लाई किया r1 से, तो ये हुआ m1 r1 इक्वल टू, देखें कितना आता है, ये कितना हो जाएगा, m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2, इतना हो जाएगा। अगर मैंने m1 से मल्टीप्लाई किया r1 को, m1 को r1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और अगर मैंने r2 को मल्टीप्लाई किया m2 से,
तो कितना आएगा, तो ये आएगा m2 m1 इंटू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी यूजफुल होगा। एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू, ठीक है। इसका यूज़ क्या है या इसका मतलब क्या समझोगे तुम, कि अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है और ये पार्टिकल उससे कितनी डिस्टेंस पर है, r1, दूसरा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है, r2, तो ऑब्जर्वर यानी कि सेंटर ऑफ मास से किसी पार्टिकल की डिस्टेंस है r1, सेंटर ऑफ मास से सेकंड पार्टिकल की डिस्टेंस है r2, तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होता है, ठीक है। अच्छा, इससे ये भी कुछ कुछ आइडिया लगता है कि जो पार्टिकल हैवी होगा, जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उसके ज़्यादा करीब होगा। जैसे ये R1 ही ले लो, अगर M2 ज़्यादा हुआ M1 से, M2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो R1 बड़ा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, ध्यान रखना नीचे भी M2 है, M2 R upon M1 plus M2। अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे एडजस्ट करके देख सकते हो, R अपॉन M2 से डिवाइड कर दो नीचे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस M1 बाई M2। अगर मान लो M2 ज़्यादा हुआ तो M1 बाई M2 हो जाएगा, M1 बाई M2 कम हुआ यानी कि डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर अगर कम हो गया तो ये ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी यानी कि R1 बढ़ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ होगा कि नहीं। M2 कैसा है, बड़ा, हाँ M2 ज़्यादा है यानी कि M2 is heavier than M1। अगर M2 बहुत बड़ा है तो M1 by M2 कैसा हो जाएगा, बहुत छोटा, डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो गया तो R1 की वैल्यू ज़्यादा हो गई, R1 की वैल्यू ज़्यादा हो गई मतलब R1 M2 के ज़्यादा पास है यानी सेंटर ऑफ मास M2 के ज़्यादा पास है। तो अगर कई सारे पार्टिकल हैं तो सेंटर ऑफ मास किसके ज़्यादा करीब होगा, जो हैवियर साइड होगी सिस्टम की उसके ज़्यादा पास होता है ना, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ है ये। अब ये तो केवल टू पार्टिकल सिस्टम के लिए था, एक बड़ा ही लोकप्रिय सवाल है इस पर जो अक्सर लोग पूछा करते हैं, तो हम भी पूछ लेते हैं तुमसे, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है, ए के बराबर है, इसके वर्टेक्स पर पार्टिकल रखा है जिसका मास एम है, दूसरा पार्टिकल इसका भी मास एम है और इसका भी मास एम है, आपको निकालना है फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालो क्या होंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले जो इंडिविजुअल पार्टिकल है ना इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, जीरो कॉमा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट बोलो ए कॉमा जीरो, इसके ये कितना, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इस पार्टिकल का, कितना, ए बाई टू कॉमा ए बाई टू कॉमा ए बाई वन, कितना है वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका, ए, ठीक है, ए नहीं हुआ, रूट थ्री बाई फोर, हाँ तो निकालो कितना है ये, इसकी हाइट क्या है ट्राइंगल की, वाई कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ सभी,
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जयंत कितना आ रहा है? सॉरी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं पूछ रहा मैं, इसका इस वाले पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? यार इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट नहीं निकाल पा रहे हो। श्रेया कितना है हाइट? रूट थ्री ए। कैसे निकाला? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना है? इस वाले ट्राइंगल में साइन 60, ये परपेंडिकुलर जिसकी की हमें ज़रूरत है यानी कि हाइट, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस कितना है ए। तो एच इक्वल टू ए साइन 60, ए रूट थ्री बाई टू। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ए रूट थ्री बाई टू, वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स सी एम इक्वल्स टू, तो हम क्या लिखेंगे, एम इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो प्लस ये वाला मास एम और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस ये वाला पार्टिकल ऊपर वाला एम इंटू ए बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री एम टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देयरफॉर एक्स सी एम इक्वल्स टू कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? एम नहीं आएगा, एम भी कैंसिल होगा, तो ये आ रहा है ए बाई टू। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? ए बाई टू। वाई सी एम, वाई सी एम बताओ। वाई सी एम निकालने के लिए पहले वाला जो पार्टिकल था ओरिजिन पर जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो प्लस जो इधर वाला पार्टिकल है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो प्लस जो ऊपर वाला पार्टिकल है उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखो एम इंटू ए रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास थ्री एम, टोटल मास थ्री एम लिखा तो वाई सी एम कितना आया? ए रूट थ्री बाई सिक्स या ए बाई टू रूट थ्री भी लिख सकते हो, ए बाई टू रूट थ्री भी लिख सकते हो। ये भी सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। तुम लोगों ने सेंट्रोइड पढ़ा है? सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो कहां पर है? यहाँ कहीं होता है ना, हाँ। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है, ये 2 और ये 1 इस रेशियो में डिवाइड कर देता है ना। तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस तुम बता सकते हो कितनी है? निकाल सकते हो? निकालो जरा, सेंट्रोइड की डिस्टेंस कितनी है किसी वर्टेक्स से बताओ जरा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सेंट्रोइड है, ए ए ए, तो देख भाई ये जो मीडियन है सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब है अगर ये एक्स है तो ऊपर कितना है? 2x है, ये 2x और ये होता है x, ठीक है। तो सेंट्रोइड की यहाँ से डिस्टेंस कितनी आती है ऐसे निकाल सकते हो। ये एंगल 60 डिग्री है, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3x अपॉन हाइपोटेन्यूस a, तो 3x कितना आया? a रूट 3 बाई 2, तो x कितना आया? a रूट 3 बाई 6 x आ गया। मतलब x कौन सी डिस्टेंस है? a रूट 3 बाई 6 ये वाली, ये डिस्टेंस। इस हाइट पर कौन है? सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड है ना, तो सेंट्रोइड कितनी हाइट पर है? ए रूट थ्री बाई सिक्स पर, और उतनी ही हाइट पर क्या था? सेंटर ऑफ मास था। यानी कि इस ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है?
सेंट्रॉइड पर है। सेंट्रॉइड कितनी डिस्टेंस पर है? देखो, एक तो हाइट कितनी चाहिए सेंट्रॉइड की, होनी चाहिए ए रूट 3/6, और दूसरा ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ए बाई टू। तो ये सेंट्रॉइड भी है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आया वो कहाँ पर आया है, सेंट्रॉइड पर है। बात समझ गए? लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। सेंट्रॉइड ज्योमेट्रिकल चीज़ है, सेंटर ऑफ मास डिफरेंट क्वांटिटी है। अगर इसके मास अगर हम बदल दें तो भी क्या सेंट्रॉइड पर ही आएगा? तब नहीं आएगा। अगर मान लो इसका मास मैं कर देता हूँ बदल के 4m, तो फिर सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है ये वाली नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। नहीं, अगर ज़्यादा मन कर रहा है तो निकलवा ही लेते हैं तुमसे। चलो तो निकाल ही दो फिर। चलो वैल्यू में चेंज करता हूँ। चलो नहीं, अब ट्राइंगल हो गया, अब दूसरे में देते, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। मान लो ये स्क्वायर है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है जिसका मास है m, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m, यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास 2m, इसका मास कितना 2m। एक्सिस कौन सी ले लें हम? यहाँ से ले लेते हैं। हर एक साइड की लेंथ है a, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो भी हमने यही ले ली है, ये है वाई एक्सिस, इसको लिया हमने एक्स एक्सिस, और ओरिजिन यहाँ पर है, और ओरिजिन कितना डिस्टेंस पर है यहाँ से, इसको भी कुछ ले लो, ए मान लेते हैं। नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसलिए नहीं लिया वहाँ से, मतलब तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़े इसलिए लिया है दूर से। तो ओरिजिन कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से, ए, तो तुमको बताना है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है, और ये भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए के बराबर है, ये डिस्टेंस है ए, ठीक है, ये डिस्टेंस ए के स्क्वायर है भाई, ये कितना आया एक्स कोऑर्डिनेट, अब देखो पिछले सवाल में हमने थोड़ा धीरे धीरे किया था, इसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। एक्स सी एम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इधर देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए, तो इसको हम लिखते हैं एम इंटू ए, प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2m इंटू 3a, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, m1x1 प्लस m2x2। अच्छा ये a ही था, ठीक, तो 2m इंटू 2a, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, इसका x कोऑर्डिनेट इस वाले पार्टिकल का a के बराबर, तो प्लस ma, प्लस इस वाले का 2m इंटू 2a डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, 2 + 2 = 4, 5, 6, 6m, तो एक्स सी एम कितना रहे, ठीक है, कितना हुआ ये ऊपर ऐड करने पे कितना रहा है टोटल, 10a, तो 10m e अपॉन 6m, तो m से m कैंसिल हो गया और ये आएगा 5a by 3 आया, ठीक है। वाई सी एम निकालो, ये वाला पार्टिकल m इंटू 0, दूसरा पार्टिकल 2m इंटू 0, प्लस अब इसका लिख लेते हैं m इंटू a, प्लस
2m into a divided by 6m. तो ये 0 0 0, तो ये हुआ 2 3 एम ए अपॉन 6m, ये कैंसिल, तो हमको मिला वाई सी एम इक्वल टू ए बाई 2. तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये निकला है. आगे समझ में? अच्छा, आगे देखो. अब कई बार ना हम इतना कैलकुलेशन ना करके थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाला करेंगे. जैसे अगर हम केवल ये दो वाले दो पार्टिकल्स देख लें, ये वाला 2m और ये वाला 2m, तो केवल ये दो पार्टिकल का सिस्टम अगर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा दोनों के बीच में. नहीं समझे? मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? केवल सेंटर ऑफ मास ऑफ 2m एंड 2m की. ये वाला जो 2m है और ये वाला जो 2m है, दोनों के मास इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों के ठीक बीच में आना चाहिए यहाँ पर. ये है सेंटर ऑफ मास नंबर 1. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका? 2a. a प्लस a, तो ये हो जाएगा 2a. एक्स कोऑर्डिनेट 2a और वाई कोऑर्डिनेट a बाई 2. इसका मास भी m, इसका भी m. तो अगर केवल ये वाले दो पार्टिकल ले लें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? ये, तो इसको मैंने लिखा सेंटर ऑफ मास नंबर 2. इसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट a कॉमा a बाई 2. तो देखो, ये वाला सेंटर ऑफ मास जो है वो भी a बाई 2 हाइट पर है, ये वाला सेंटर ऑफ मास भी a बाई 2 हाइट पर है. तो इन दोनों को मिलाएंगे तो सारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मिलाने पर किस हाइट पर आएगा? a बाई 2 पर. तो ये तो हम कॉमन सेंस से विदाउट कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन से बता दिया करेंगे आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, कि वाई कोऑर्डिनेट तो कितने पर आने वाला है? a बाई 2 पर ही आएगा. एक्स कोऑर्डिनेट अगर तुम्हें चेक करना है सेंटर ऑफ मास का, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का, तो तुम ऐसे लिख सकते हो. ये चीज़ ध्यान रखना है. इधर देखो, ये जो सेंटर ऑफ मास मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास नंबर 2, ये जिस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसका मास कितना है? जिस सिस्टम का ये सेंटर ऑफ मास है उस सिस्टम का मास 2m है. ये m और ये m मिला के कितना? 2m. उस सिस्टम का मास 2m है. तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2m और इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना? a. प्लस जिस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मास कितना है? 4m. तो मैंने लिखा 4m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2a अपॉन. अब इस पूरे सिस्टम का मास कितना है? 6m. तो xcm कितना आ रहा है इससे सिस्टम का? टेन एम ए अपॉन 6m. तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 5a/3. ऐसे मिल गया. तो कई बार कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमको चारों के कोऑर्डिनेट्स ऐड ना करके हमने इस वाले सिस्टम का कर लिया, इस वाले सिस्टम को सॉल्व कर लिया. बात समझ में आई? तो डिफरेंट ले लेना. एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ और समझो जरा. अभी हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व नहीं किया है. मास का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने पढ़ा नहीं है. जैसे रॉड होती है, रिंग होती है, डिस्क होती है, इनके सेंटर मास अभी हम निकालेंगे. पहले जरा मैं तुमको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, उसको समझो. मान लो कि इस बार हमने ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया. अब बना लेते हैं, क्या चीज है ये? क्यूब है, जिसकी हर एक एज की लेंथ सेम है. ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, और इसको ले लिया हमने जेड एक्सेस. बात नहीं करना है. ये सिस्टम हमने ये लिया. अब मास में लिख रहा हूँ आपसे कि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए. देखो, इसका मास हमने लिखा 3m. ये मास कितना है? 3m. इसको लिखा 3m, इसको लिखा 3m, इसको लिखते हैं m, ये m, ये मास भी m है और ये मास भी m के बराबर है. ठीक है, और इसकी हर एक एज या साइड की लेंथ कितनी है? a के बराबर.
अब इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें? सर जो भी आपने तुम्हें बताया, देखो एक तरीका तो क्या है, सबसे सिंपल वाला m1x1 + m2x2 + m3x3 सारा कर ले, है ना। कैसे? देखो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका जो सबसे बेसिक है वो तो ये है कि मैं मान लो नंबरिंग कर देता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पार्टिकल्स हैं, इन सभी को बारी बारी से ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 1 को, तो 1 के लिए हो जाएगा 3m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस 2 के लिए 3m इंटू 0, ये भी ओरिजिन पर ही के लिए ना, इसका x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट 0 हैं? x और z 0 है इसके। आ जाओ 3 पर आ जाओ, तो प्लस 3m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? x और y 0 इसका, राइट। z कोऑर्डिनेट तो एग्जिस्ट करेगा, a के बराबर होगा। आ जाओ 3m इंटू 0 प्लस 3m इंटू 0, अब पार्टिकल नंबर 3 पर आ गए तो 3m इंटू x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? a। प्लस 4 पर आ जाओ, 3m इंटू x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 0, a। ये ओरिजिन है ना, तो ये कितना है? a के बराबर। और बोलो, प्लस 1 2 3 4 हो गए, 5 का एक्स कोऑर्डिनेट 0, 6 का एक्स कोऑर्डिनेट 0, मैं 6 लिख रहा हूँ, अब तो आएगा m इंटू 0। इसके बाद 7 का a, और टोटल मास कितना है सिस्टम का? कहाँ तक हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा, प्लस एक और कौन सा? 8। 8 कहाँ गया? ये है m इंटू a, और टोटल मास कितना है सिस्टम का बताओ? 1 2 3 4 12 + 4 16, तो लिखा 1/16 m, टोटल मास से डिवाइड कर दिया है इसको, है ना। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? 1/16 m इंटू ये 0 ये 0, तो ये 3 6 7 8, तो 8 m आया क्या? तो x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? a/2। x कोऑर्डिनेट कितना आया? a/2 के बराबर। सुनो, तो पहले इतना समझ में आ गया, अब देखो मैं दूसरी चीज बताऊं इसमें। एक और तरीका क्या कर सकते हो तुम कॉमन सेंस लगा के, सुनो तो, यहां देखो ये वाला स्क्वायर देखो, 1 4 1 2 3 4, इसमें एक स्क्वायर कंसिडर करो, स्क्वायर 1 2 3 4। देखिए कौन से स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, 1 2 3 4, ये वाला स्क्वायर कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है यार, उससे क्या होता है? प्लेन तो कौन सा है उसका? ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन, समझते हो? एग्जैक्ट प्लेन कौन सा होगा? ये वाला जिसमें ये दोनों एक्सेस होंगी, ये एक्स है ये जेड है, तो ये जो प्लेन होगा ये एग्जैक्ट प्लेन कहलाएगा। बात समझ में आई? अब चाहे मैं इसको ऊपर ले जाऊं चाहे नीचे ले जाऊं, ये एग्जैक्ट प्लेन ही रहेगा। ये एक्स वाई प्लेन है, चाहे मैं इसको ऐसे ले जाऊं या पैरेलल इसको पीछे शिफ्ट करूं, आगे शिफ्ट करूं, कहीं भी शिफ्ट करूं, ये एग्जैक्ट प्लेन ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स और जेड दोनों एक्सेस है, सॉरी एक्स वाई। ये वाला जो प्लेन है, जो बोर्ड का प्लेन है, जो बोर्ड है, ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में जो स्क्वायर है वो है 1 2 3 4। इस 1 2 3 4 का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं है,
अब यहाँ पर देखो इसके चारों कॉर्नर्स पे जो मासेस हैं वो कैसे इक्वल हैं, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बाईसिमेट्री कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, यानी इस स्क्वायर के सेंटर पर। इस स्क्वायर के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4 ये वाला जो स्क्वायर देख रहे हो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1, 2, 3, 4 स्क्वायर के सेंटर का ये जो सेंटर आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ए बाई टू। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए टोटल मास कितना हुआ, 3, 3, 3, 3 12 m इंटू ए बाई टू। बात समझ में आई, ये जो मैंने a बाई टू लिखा है ये किसका लिखा है, मतलब क्या रुक जाओ अभी इतना ही समझ लो, तुम्हें सिस्टम का इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास पता चल गया ना कहां पर है, इसके सेंटर पर, ठीक है। और जो पीछे वाला स्क्वायर है, पीछे वाला स्क्वायर मतलब ये 5, 8, 7, 6 यानी 6, 7 ये 5, 6, 7, 8 ये वाला जो स्क्वायर है ये भी एक्स वाई प्लेन में है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा। तो जो पीछे वाला स्क्वायर है 5, 6, 7, 8 इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो भी ए बाई टू होगा। तो इसका भी ए बाई टू, उसका भी ए बाई टू, दोनों का मिला के भी किस पर आएगा, ए बाई टू, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है दोनों के सेंटर ऑफ मास के। बात समझ में आई। अच्छा, अब इसी शॉर्टकट से अगर हम वाई कोऑर्डिनेट निकालें तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट इस सिस्टम का कहां पर मिलने वाला है, ए बाई टू पर, और पीछे वाले का ए बाई टू, तो सिस्टम का ए बाई टू, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट भी कितना जाएगा, a बाई टू। z कोऑर्डिनेट के बारे में सोच लेते हैं जरा क्या होगा, इस सिस्टम का z कोऑर्डिनेट कितना है, जो कौन सा वाला सिस्टम, जो आगे वाला स्क्वायर है ना, आगे वाले स्क्वायर का z कोऑर्डिनेट कितना है, आगे वाले स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट जीरो, कहां से हो गया, इसका z कोऑर्डिनेट कितना है, a, इसका z कोऑर्डिनेट, इसका z कोऑर्डिनेट, इसका भी z कोऑर्डिनेट a है, जीरो कहां से हो गया, z कोऑर्डिनेट सुनो ये वाला जो स्क्वायर है ना 1, 2, 3, 4 ये एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ये इस वाले एक्स वाई प्लेन में नहीं है, उसके पैरेलल बाहर निकला हुआ है, कितना बाहर है ये, ए, तो 1, 3 m यहाँ पर है, 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 ये सारे 3 m कितना दूर निकले हुए हैं, ए, जेड कोऑर्डिनेट सभी का कितना है, ए, इसका जो जेड कोऑर्डिनेट है इन तीनों मासेस, इस चारों मासेस के सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना है, a के बराबर है। ये जो स्क्वायर था इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो a बाई टू है, y कोऑर्डिनेट a बाई टू है, और z कोऑर्डिनेट कितना है, a के बराबर है, ये बाहर आ गया है ना a, तो बाहर अगर ये a आ गया है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ जेड सी एम, इसका टोटल मास कितना है इन चारों को मिला के 12 m, और z कोऑर्डिनेट कितना था, a, प्लस जो पीछे वाला स्क्वायर है कौन सा, 5, 6, 7, 8 एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में ही है, उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो है, तो उसका मास कितना लिखेंगे हम, 4 m इंटू जीरो डिवाइडेड बाय टोटल मास सिस्टम का कितना है, 12 m प्लस 4 m, तो जेड सी एम कितना जाएगा, 12 ma/16 m 3a/4 तो z कोऑर्डिनेट जो सिस्टम का आया वो 3a/4 है। अब तुम लोग क्या करो, z कोऑर्डिनेट एक और तरीके से निकालो, जो सबसे सिंपल सा मेथड है, यानी कि बेसिक तरीका क्या है, बेसिक मेथड क्या है, m1z1+m2z2 करके उससे निकालो कितना आता है, बैठ जाओ सॉल्व करने के लिए, केवल देखो नहीं, यहां पर जेड सी एम टोटल मास कितना है सिस्टम का, 16 m, तो हमने 1/16 m कर लिया,
और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 से, तो 3m इंटू 1 का z कोऑर्डिनेट कितना है, a, 1 का z कोऑर्डिनेट है a, प्लस 3m इंटू 2 का z कोऑर्डिनेट a, प्लस 3m इंटू तीसरे वाले का a, प्लस 3m 4 का a, प्लस 5 का m इंटू 0, प्लस 6 का m इंटू 0, प्लस m इंटू 0 और प्लस m इंटू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे हो गए। ये बेसिक मेथड हो गया 1/16m इंटू कितना रहा है टोटल 12ma, तो ये हो जाएगा 3a/4, इससे भी आ गया। तो कई बार क्या होता है कि सिस्टम के कुछ कुछ हिस्सों का सेंटर ऑफ मास पता होता है, तो हम अलग अलग हिस्सों को एक सिंगल सेंटर ऑफ मास लेके फिर हम क्या लिख देते हैं फॉर्मूला m1x1 + m2x2, और उसमें x1x2 क्या होते हैं, वो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट नहीं है, वो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। मतलब इस वाले सिस्टम को हमने दो हिस्सों बांट दिया, एक वो हिस्सा जो आगे वाला स्क्वायर है, एक वो हिस्सा जो पीछे वाला स्क्वायर है। आगे वाले स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट कितना है a, और पीछे वाले का z कोऑर्डिनेट कितना है 0, और हमने ये फॉर्मूला लगा दिया 12m into a plus 4m into 0 divided by total mass। तो इससे कैलकुलेशन रिलेटिवली कई जगह पर जल्दी हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो जरा। नहीं, उनको हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि टोटल मास कितने हैं इसमें, 8 है ना, तो 8 के 8 ले तो लिए हमने। अगर तुम ये वाले स्क्वायर और पीछे वाले लेते हो तो फिर दोबारा से ये थोड़ी लेंगे। अगर तुमने ये वाले स्क्वायर ले लिए तो फिर ये थोड़े लेना है, कोई एक लोगे, लेकिन ये वाले लेना है फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3mm है। अब इसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में तो आने वाला नहीं है, इस 3m और m का सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में a by 2 पे नहीं मिलेगा, लेकिन हमको इसमें पता चल रहा था कि ये 3m, 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 तो इस सिस्टम का, इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मिल जाएगा, इसके सेंटर पर मिल जाएगा, इसलिए ऐसा डिवाइड करते हैं। आगे लिखो, अभी तो जो सिस्टम था वो सारे क्या थे, पार्टिकल थे, उन सभी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग हम लिख सकते थे, लेकिन अब सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब क्या है, दिव्यांशु बताएगा, अरे कुछ तो भी बताओ। कंटिन्यूस मतलब निकेत, कंटिन्यूस और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लगातार वितरण मास का, क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हाँ ठीक है, कॉन्टिन्यूस। यानी कि वो बॉडीज, इस तरह की ऑब्जेक्ट्स जिनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस है। देखो बहुत ही हल्की चीज है ये, जैसे ये एक रॉड है, इस रॉड में लगभग कितने पार्टिकल्स होंगे, 10 to the power, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे इसमें। उन पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं क्या, हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो इतने पास पास हैं कि अगर एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हमने 1 centimeter, तो दूसरा वाला हो जाएगा 1.00000001 centimeter। इतने पास पास अगर पार्टिकल होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास अगर हम इस फॉर्मूले से निकालने में बैठे तो बस यही करेंगे, फिजिक्स में और कुछ होगा ही नहीं, बस पार्टिकल गिनते रहेंगे। तो ऐसा इसलिए है कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन इस रॉड में वो कैसा है, बहुत ही
पास पास है, तो इसको हम कहते हैं कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। और उससे पहले वाला जो कर रहे थे उसको कहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, वो डिस्क्रीटेड या डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट मास था जिसमें हर एक पार्टिकल को अलग अलग सेपरेटली देखा जा सकता है या उसके कोऑर्डिनेट इजीली निकाले जा सकते हैं। इसमें जो रॉड के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग लिखने में, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने में हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि दीज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत पैकिंग इनकी कैसी है, वेरी क्लोज है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला अलग होता है, लिखो जरा। एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो लिखते हैं एक्स सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। वाई सी एम अगर निकला हो तो वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। हाँ बेटा तुम एक काम करो, जगह बदल लो अपने, जल्दी चेंज कर लो। हाँ तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरह लिखे जाते हैं, इसका मतलब समझ लें क्या है। यहाँ पर जो एक्स डी एम लिखा है सक्षम, यहाँ देखो डी एम, हमने ये मान लिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था या रॉड जैसे हमने बनाई थी, रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एलिमेंट इतना छोटा है कि उसको एक पार्टिकल की तरह से कंसिडर किया जा सकता है, एलिमेंट इतना छोटा है कि उसको एक पार्टिकल की तरह से कंसिडर किया जा सकता है। उस एलिमेंट का मास कितना है, मास कितना है डी एम, किसका मास है ये, किसका एलिमेंट, रॉड का नहीं, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका छोटा सा एलिमेंट का मास कितना है डी एम। और ये एक्स क्या है, ये है, ध्यान से सुनना, अब ये जो एलिमेंट हमने लिया है ना डी एम, इस एलिमेंट डी एम का खुद का भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है एक्स, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स। एक्स क्या है इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कई केस में हम कोशिश तो करेंगे कि छोटे से छोटा हो, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ जाएंगे कि जिसमें एलिमेंट होगा तो छोटा लेकिन वो एग्जैक्टली पार्टिकल नहीं होगा, वो एलिमेंट का भी शेप रिंग सर्कल वर्कल टाइप में कुछ हो सकता है। तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इसमें रखना है। तो एक्स क्या है बोलो, आयुष समझ गए, अच्छा चल भाई ये वाई बता दे फिर, वाई क्या है आयुष को बताना, किसका कोऑर्डिनेट, किसका, हाँ सोच ले पहले क्या क्या बोलना है आराम से। हाँ प्रणव तुम बताओ क्या है ये वाई, हाँ वाई इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट डी एम, जो हमने एलिमेंट डी एम लिया है उसके मास का, उसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है वाई, और जो एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया है डी एम, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट है जेड। इन सब को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा, पूरे सिस्टम का जेड कोऑर्डिनेट, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। ये वाई, ये भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ये भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है और ये केवल एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाला वाई है। ये क्लियर हो गया कि नहीं, तो चलो इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल से। आ जाओ तो रॉड का ही निकाल लेते हैं सबसे पहले, सेंटर ऑफ मास ऑफ
यूनिफॉर्म रॉड, ये रॉड मास एम और लेंथ एल। अच्छा, इसमें यूनिफॉर्म वर्ड का श्रेय क्या मीनिंग है? यूनिफॉर्म है मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसका मास पर यूनिट लेंथ सेम है, इसकी डेंसिटी हर जगह सेम है। हम इसके किसी भी हिस्से को काटें तो हर हिस्से से जो डेंसिटी है वो कैसी निकलेगी? सेम। अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका, लेकिन ये तो पता हो कि ओरिजिन क्या है, किसके रिलेटिव निकालना है। तो हम इसके रिलेटिव निकालते हैं, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। बात समझ में आई? अच्छा, ये जो रॉड है इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, इस वाले केस में जो हमने बनाया है वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि रॉड टू डायमेंशनल बॉडी है, नहीं है। तो यह थ्री डायमेंशनल है, ये वन डी है, तो इसमें केवल लेंथ होगी। रॉड में केवल लेंथ है, उसमें हाइट नहीं है और ब्रेथ नहीं है या डेप्थ नहीं है, ये कह सकते हो। ये वन डी में होती है। अगर रॉड को अगर तुमने बहुत मोटा कर दिया तो थ्री डी में वो क्या बन जाएगी? स्लैब। फिर उसको रॉड नहीं कहेंगे, या सिलेंडर कह सकते हैं। अगर सर्कल जैसे ये मार्कर है, अगर बहुत पतला है तब तक क्या ये रॉड है, अगर बहुत बड़ा हो गया तो सिलेंडर है। अब इसमें सेंटर ऑफ मास अगर हमको निकालना है तो हमने क्या काम किया? यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसिडर किया डी एक्स। निकेत, हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया डी एक्स। ये किसका एलिमेंट है? एक्स डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये जो ओरिजिन था यहाँ से, ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस एंड का वो कितना है एक्स, और एलिमेंट का जो दूसरा वाला एंड है उसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स प्लस डी एक्स, जिससे ये वाला जो हिस्सा है ये कितना रह जाता है डी एक्स के बराबर। एलिमेंट की लेंथ डी एक्स के बराबर है, उसका मास डी एक्स के बराबर नहीं है। आई बात समझ में? जो एलिमेंट हमने लिया है उस एलिमेंट में डी एक्स क्या बताता है? लेंथ ऑफ द एलिमेंट। लेकिन हमको क्या करना है, हमारी ज़रूरत क्या है? हमको अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो हमको लिखना होगा इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो हमको क्या चाहिए? जो डी एम मास है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी एक्स एलिमेंट के मास को ही क्या लिखते हैं हम? डी एम। तो डी एम इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डी एक्स। तो ये डी एम कितना आएगा बताओ? मास पर यूनिट लेंथ कितना लिखेंगे? एम बाई एल। रॉड के एल लेंथ का मास कितना है? एम। तो यूनिट लेंथ का कितना है? एम बाई एल। तो डी एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा? एम बाई एल इंटू डी एक्स। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, सब समझ गए हो? अरे यूनिटरी मेथड, सिंस मास ऑफ लेंथ एल इज एम, देयरफॉर मास ऑफ यूनिट लेंथ इज एम बाई एल, देयरफॉर मास ऑफ लेंथ डी एक्स इज एम बाई एल इंटू डी एक्स। एट्थ क्लास के बच्चों समझ गए कि नहीं है? मास ऑफ लेंथ डी एक्स इज एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे डी एम लिखा, डी एम की वैल्यू लिखी, डी एम की वैल्यू है एम बाई एल इंटू डी एक्स के बराबर। अब इस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये जो एलिमेंट था इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स के ही बराबर है, ठीक है। ये जो एलिमेंट लिया है ये एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? अबे हम खुद ही कह रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस पर, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना? एक्स के बराबर हुआ ना। तो इसको लिखा हमने एक्स और डी एम की वैल्यू एम बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। इंटीग्रेशन डी एम का मतलब होता है उसमें जबरदस्ती इंटीग्रेशन मत करो, इंटीग्रेशन डी एम का मतलब है कि सारे छोटे छोटे एलिमेंट का मास,
तो सारे एलिमेंट को ऐड कर दोगे, उनको जोड़ दोगे तो क्या जाएगा? टोटल मास ऑफ द रॉड. तो टोटल मास ऑफ द रॉड इज एम इक्वल्स टू, इसमें से एम बाई एल बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट होगा, नीचे वाला एम भी बाहर ही है, अंदर बचा एक्स डी एक्स, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा. अब लिमिट लगानी है इंटीग्रेशन में, एक्स कहाँ से कहाँ तक बदलेगा? लिमिट ऐसे लगाई जाती है, या देखो लिमिट ऐसे लगाई जाती है कि जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा. तो जब ये एलिमेंट यहाँ पर है, जब एलिमेंट यहाँ पर है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो. और जब एलिमेंट यहाँ पहुँच गया तो एक्स की वैल्यू एल. क्या चीज? अच्छा हाँ, ये वाला L नीचे था और ये M था यहाँ पर, ठीक है. तो M से M कैंसिल. तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? इंटीग्रेट करो इसको तो 1 अपॉन L इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू L. सिंप्लीफाई करने पर कितना बचा? L बाई 2. तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया? L बाई 2. हालांकि इसमें इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, कॉमन सेंस हमको वैसे ही पता होता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? रॉड के सेंटर पे आएगा. रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पे मिलेगा. कहाँ पर? ये एल स्क्वायर आएगा, यहाँ लिमिट रखोगे, नीचे एक एल था उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल बाई 2. कोई समस्या इसमें? दिव्यांशु इसमें कोई डाउट है? समझ गए ये चीज? निकेत, अब आगे बढ़ते हैं. अब ऐसा ही एक आध दो एग्जाम्पल और करें, एग्जाम जो तुम्हारे स्कूल में आने वाले हैं उस पर आ जाएं. देखो यहाँ पर इस समय जो सिचुएशन है उसमें जो रॉड है, ये है रॉड ए बी. रॉड ए बी इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. इसमें ये गिवन है कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर मीटर केजी पर मीटर, केजी पर मीटर. Where x is measured from end A. Find center of mass. Center of mass का coordinate कहाँ से निकालना है? End A से. ध्यान दो, जो rod इस बार हमने ली है, इस rod का mass per unit length m by l से नहीं निकलेगा, ठीक है. टोटल लेंथ कितनी है इसकी? वो तो गिवन है. टोटल लेंथ है रॉड की L के बराबर. टोटल लेंथ L है, लेकिन टोटल मास अगर इसका M अगर हम मान लें तो M बाई L मास पर यूनिट लेंथ नहीं आएगा उससे. वो तब आता है जब रॉड कैसी हो? यूनिफॉर्म हो. यहाँ पर अलग अलग हिस्सों का अलग अलग है. और मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है? लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर. यानी कि अगर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि रॉड के कौन से हिस्सों का मास ज़्यादा है जो ए से दूर है. ए पर एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे? ज़ीरो.
समझ में आया क्यों रखेंगे? क्योंकि उसमें क्या कहा गया है, x इज मेजर्ड फ्रॉम a, x का मेजरमेंट एंड a से होता है, तो a पर x की वैल्यू जीरो है, यानी कि यहाँ पर तो रॉड ऑलमोस्ट मासलेस है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, b एंड पर पहुँचेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l, तो लैम्डा नॉट l स्क्वायर यहाँ पर एंड b पर, एंड b पर रॉड कैसी है, बहुत हैवी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट मासलेस है, तो डेंसिटी इसकी वेरी कर रही है। इस केस में अगर हमको निकालना है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या करें, हमने मान लिया कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ओरिजिन पर एंड a रखा हुआ है। एक्सीएम इक्वल टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला होता है x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm इक्वल्स टू, यहाँ से एंड ए से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसिडर किया डी एक्स, वही पुराना तरीका, पहले एक एलिमेंट के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो डी एम की जगह क्या लिखेंगे हम, डी एम की जगह क्या आएगा, इस एलिमेंट का मास आएगा, इस एलिमेंट का मास कितना है, ऑलरेडी मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लेकिन वो वेरी कर रहा है, तो हमको कहाँ पर चाहिए, एक्स डिस्टेंस पर, ये होगा dm की वैल्यू में क्या लिखूंगा, लैम्डा नॉट x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, ये देखो लैम्डा नॉट x स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर, हमको कितने मीटर का चाहिए, dx मीटर का, इतने kg पर मीटर ये मास है, हमको कितने मीटर चाहिए, डी एक्स मीटर चाहिए था, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास आ गया उसका, नहीं आया समझ में, ये जो मास था इसकी यूनिट देखो किलोग्राम पर मीटर, इससे निकल रहा है, हमको कितने मीटर चाहिए, डी एक्स मीटर, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां मैं वैल्यू रखता हूं इसकी डी एम की, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो dm लिखा मैंने केवल यहाँ पर, अब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x के बराबर है अपॉन इंटीग्रेशन dm, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन dm को डायरेक्ट m नहीं लिख सकते, यहाँ पर तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट x स्क्वायर dx, लैम्डा नॉट x स्क्वायर dx ये इसकी वैल्यू है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन पहले लिमिट लगा लो, जीरो से एल, जीरो से एल, इसमें लैम्डा नॉट तो बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स जीरो टू एल अपॉन, यहां से भी लैम्डा नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो टू एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, लैम्डा नॉट कैंसिल, इंटीग्रेट करो, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 टू L अपॉन x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू L, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, ये तो आता है ना सबको, भूल तो नहीं गए, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाया है, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, 3 3L by 4, this is the answer. ठीक है, चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, एक यूनिफॉर्म रिंग है, अगर एक यूनिफॉर्म रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा,
उसके सेंटर पे होगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, इसलिए एग्जाम में ये कैलकुलेट करने नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालो कहाँ पर होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, यूनिफॉर्म हाफ रिंग का मतलब है, ये देख भाई, ये रिंग है आधी, इसका रेडियस है आर के बराबर, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको कहां पर आता है, किसके रिलेटिव निकालना है, सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास तो निकालना ही है, निकालना है सेंटर के रिलेटिव, यानी कि जो सेंटर है इसको क्या लेना है, ओरिजिन। तो मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो तुमको याद भी रखना है, कई जगह क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ती है। कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, जैसे हाफ रिंग हो गया, हाफ डिस्क हो गया, हेमीस्फेयर हो गया और कोन, इनके सेंटर ऑफ मास तुमको याद रखने हैं। अलग अलग होते हैं, वो सॉलिड होती है, हॉलो है, वो टू डायमेंशनल बॉडी होती है डिस्क, ये वन डायमेंशनल बॉडी है। या देखो इधर, अब कॉमन सेंस लगाओ यार, जरा ये बताओ कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव। जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट साइड में, इधर देखो, वाई एक्सिस के राइट साइड में और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्री से इक्वल दिख रहा है ना। अगर ये ज्यादा होता तो सेंटर ऑफ मास खिसक जाता इधर, अगर लेफ्ट साइड ज्यादा होता तो सेंटर ऑफ मास होता लेफ्ट साइड में, लेकिन दोनों बराबर है, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां पर आने वाला है, एग्जैक्टली वाई एक्सिस पर, इसलिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इसमें जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, बस वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बोलते जाओ यार, चुप नहीं रहो। इंटीग्रेशन डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, इससे निकलेगा वाई सी एम, वाई सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डीएम, और इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू कितनी रख ली हमने, एम, मतलब इसका दो चीजें हमको ऑलरेडी गिवन है, टोटल मास एम और रेडियस आर, ये हमको मालूम है। हाफ रिंग का मास कितना है, एम, और हाफ रिंग का मास एम है और रेडियस कितना है, आर। अब यहां पर जो सिचुएशन है इसको समझो ध्यान से, ये रॉड की तरह सीधी नहीं है, इसमें जो मास है वो ऐसे घूम रहा है, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे घूमता हुआ होता है तो एक्स डी एक्स या वाई डी वाई और जेड डी जेड से काम नहीं चलेगा, तब तुमको थीटा डी थीटा, अल्फा डी अल्फा, बीटा डी बीटा, यानी एंगल पे आना पड़ेगा। ध्यान रखना आगे से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट है तब तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई से काम चल जाएगा, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाए, घूमता हुआ, तब आपको एंगल पे आना पड़ेगा। समझते हैं आप कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है जहाँ से एंगल का मेजरमेंट करेंगे हम, ये फिक्स लाइन है और एक दूसरी लाइन है जो यहाँ से ऐसे रोटेट करेगी यहाँ तक, ये पूरी रिंग कवर कब हो जाएगी, जब ये वेरिएबल लाइन यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ गई, यानी कितने एंगल से घूम जाएगी, 180 डिग्री से। तो किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर ये लाइन कहाँ पर है, घुमाना शुरू किया यहाँ पहुँच गए, और कितना एंगल से रोटेट हो गई, ये थीटा से। अब यहाँ पर देखो एलिमेंट लेने का तरीका क्या होता है, ये थीटा है, इस लाइन को यहाँ तक चलाया तो कितने एंगल से घूम गई, थीटा से, थोड़ा और चला दिया तो ये एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा, टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा, तो ये कितना बचा, डी थीटा, ठीक है। अब जो डी थीटा है ना, मैं देखने के लिए हम लोग बड़ा बनाते हैं बुक्स में भी या बोर्ड पर, ये डी थीटा इतना छोटा एलिमेंट है कि ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हो ना, ये इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए पार्टिकल, इसका साइज नेग्लिजिबल है,
ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, जो एलिमेंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका? एक्स इक्वल टू, ये देख भाई, ये है आर, आर माइनस आर कॉस थीटा, ओनली आर कॉस थीटा, माइनस कहाँ से हो गया? ये डिस्टेंस कितनी है? आर कॉस थीटा। ये कितना है? आर साइन थीटा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट क्या है भाई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उसका? आर कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। किसका? एलिमेंट का। अब तुम में से किसी के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि यार ये एक्स कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट के आए हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट है एलिमेंट का उसके तो अलग होंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं, यही ये जो एलिमेंट है इसका साइज बहुत छोटा है, डी थीटा बहुत छोटा है, इसको और इसको ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर मान के चल रहे हैं हम। इतना समझ में आ गया? जयंत नहीं, इस तुम्हारा नाम जयेश है? जयंत क्या है? नहीं नहीं, ये जयंत, अच्छा ये जयेश है। तो अब हम वाई सी एम निकालेंगे। वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है भाई एलिमेंट का? आर साइन थीटा। तो वाई को तो लिख लिया हमने आर साइन थीटा, और डी एम को क्या लिखेंगे? एट्थ क्लास के बच्चों देखो यार, सिंस ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी है? पाई आर। पाई आर का मास कितना है? एम। देयरफॉर यूनिट लेंथ का मास कितना है? एम अपॉन पाई आर। देयरफॉर एलिमेंट की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। ये होगा एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो इसका जो मास आया डी एम, वो होगा एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। इसमें आर डी थीटा में कुछ डाउट है क्या? इस एलिमेंट की जो लेंथ है ये कितनी है? ये है आर डी थीटा। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी? एंगल डी थीटा, और रेडियस कितनी है? आर। तो आर डी थीटा है ये। समझ गए डी एम की वैल्यू? तो डी एम की वैल्यू रखते हैं हम एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा अपॉन एम। इंटीग्रेशन से वो सारी चीज़ें बाहर निकल आएंगी जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या क्या है? एम है, पाई है और आर है। तो एम आर अपॉन पाई को तो बाहर निकाल दिया, एक नीचे वाला एम। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, एम से एम कैंसिल, आर अपॉन पाई। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। लिमिट्स बताओ क्या रखें? एक चलो मैं फिर से तुम्हें समझाता हूँ। लिमिट रखने के लिए क्या करते हैं, तुम्हें दिमाग में सेट होते होते टाइम लगेगा ये चीज़ें। हमने क्या माना है कि जो सेमी सर्कुलर रिंग है, हाफ रिंग है, ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी हुई है। हर एक टुकड़े का मास कितना है? डी एम। अगर ये सारे टुकड़े मिला दें तो क्या बन जाता है? हाफ रिंग। लेकिन ये टुकड़े कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन सारे टुकड़ों को समेटने के लिए, ये सारे डीएम को हम समेट लें इंटीग्रेशन करते समय, उसके लिए ये वाली जो लाइन है रेफरेंस लाइन, ये जो मूविंग लाइन है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बदलेगा? जब ये यहाँ से स्टार्ट हो गई तो थीटा जीरो करते करते ये यहाँ तक आई, और इसने सारे जो डीएम थे उनको अपने लपेटे में ले लिया। तो सारे डीएम को अपने लपेटे में लेने के लिए
थीटा को जीरो से पाई तक बदलना पड़ेगा, तो जीरो से पाई तक बदल दिया। इसका इंटीग्रेशन करके जो सही आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स जीरो टू पाई, माइनस आर अपॉन पाई, कॉस थीटा जीरो टू पाई, और आगे सिंप्लीफाई करो इसको, वाई सी एम इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन पाई इंटू कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। लिखो कितना रहा है, कॉस पाई कितना होता है? माइनस वन, माइनस वन कॉस जीरो वन। कितना आ गया ये सॉल्व करके? टू आर अपॉन पाई। तो सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा वाई सी एम इक्वल्स टू टू आर अपॉन पाई। ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको। सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? टू आर अपॉन पाई पर। श्रेया नींद, हाँ ठीक, बिल्कुल रो दोगे तो हमको लग रहा है। ठीक है जाओ, अभी ब्रेक है, 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, इसके बाद आगे डेरिवेशन करते हैं। अब देखो सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको हाफ डिस्क का, और डिस्क कैसी है? यूनिफॉर्म है। यहाँ कंसंट्रेट करो, डिस्क कैसी है? यूनिफॉर्म है। कॉमन सेंस अगर हम लगाएं, थोड़ी सी रीजनिंग लगाएं, तो हमको ये पता चल जाता है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो जीरो आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के राइट साइड में जितना मास है उतना ही लेफ्ट साइड में है। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का ना तो यहाँ राइट शिफ्ट होगा और ना ही इसके लेफ्ट में होगा, यानी ठीक इसी लाइन पर रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर इसी लाइन पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो। वाई कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जिस तरह से कि हमने अभी जो प्रोसीजर फॉलो किया था उसको हम फिर से फॉलो करेंगे। फॉर्मूला हम लगाएंगे वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका मास है एम और रेडियस है आर, ये हमको पता है। रिंग को हमने कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माना था, इसको भी हम कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलके बना हुआ मानेंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या लें हम? किस से मिलके बना हुआ मान लें इसको? छोटे छोटे कौन सी चीज़ों से मिलके बना हुआ है? वो डीएम मास का शेप क्या है? इसमें जो एलिमेंट हम लेंगे उन एलिमेंट्स का शेप क्या है? कौन सा कल? स्फेरिकल। ये बिल्कुल ये वाला कल नहीं चलेगा भाई, स्फेरिकल नहीं लेना है। हम ये मान के चलेंगे हमने ये माना कि ये जो डिस्क है ये कई सारी छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी हुई है। एक रिंग यहाँ पर, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, और ऐसे इनफाइनाइट रिंग को एक के ऊपर एक पास पास मिला दें, इनफाइनाइट रिंग्स को आपस में हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? कई सारी छोटी छोटी रिंग्स को अगर हमने मिला दिया, एक रिंग इधर है उसके ऊपर, थोड़ी बड़ी उसके ऊपर रख दी, उससे बड़ी उसके ऊपर रख दी, तो नीचे से ऊपर तक अगर हम रखते जाएं ऐसी रिंग तो डिस्क बन जाएगी। यानी जो एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो एलिमेंट का शेप क्या है? एलिमेंट का शेप क्या है?
रिंग एलिमेंटल रिंग्स आर स्प्रेडेड फ्रॉम y इक्वल टू जीरो टू y इक्वल टू आर। कुछ कुछ समझ में आया ये क्या लिखा मैंने? जो एलिमेंटल रिंग है, जो मैंने डायग्राम में बनाई हुई एलिमेंटल रिंग, इस डायग्राम वाली एलिमेंटल रिंग का रेडियस कितना है? सक्षम यहाँ देखो, इधर डायग्राम वाली जो एलिमेंटल रिंग है इसका रेडियस कितना है? वाई। तो ऐसी ही जो छोटी छोटी रिंग है, वो रिंग कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? यहाँ से लेके ऊपर तक। तो सबसे छोटी जो रिंग है उसका रेडियस ऑलमोस्ट कितना है? ज़ीरो। और सबसे बड़ी वाली जो रिंग है जो यहाँ पहुँचेगी उसका रेडियस कितना हो जाएगा? आर। तो ये रिंग जिनका रेडियस ज़ीरो से लेके आर तक फैला हुआ है, उन सभी रिंग को अगर हम मिला दें तो एक आधी डिस्क बन जाएगी, हाफ डिस्क बन जाएगी, जिसका रेडियस आर होगा। समझ में आया? ठीक है, नहीं क्लियर हुआ ये? हम कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं? जो एलिमेंट है ना जिससे मिलके ये बना हुआ है, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स का शेप क्या है? रिंग। अब हमको निकालना है मास ऑफ द एलिमेंट। मास ऑफ द एलिमेंट DM। अब मास ऑफ द एलिमेंट का मतलब क्या है? किसका मास? मास ऑफ एलिमेंटल रिंग। अब एलिमेंटल रिंग का रेडियस मान लेते हैं y है, तो उसका मास कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हमको पता हो कि एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या है। ध्यान से सुनो, जरा नोट करने से पहले मेरी बात सुनो। जो एलिमेंटल रिंग हम ले रहे हैं ना, उस रिंग की रेडियस है वाई और उसकी थिकनेस कितनी है? डी वाई। उसकी थिकनेस कितनी मान ली हमने यहाँ पर? ये डी वाई, ये थिकनेस है इसकी। हमको एलिमेंटल रिंग के मास का मतलब ये है कि हमको केवल इतने हिस्से का मास चाहिए जो ये वाला है, जो डी एक्स पार्ट है, सॉरी डी एक्स बोल रहा हूँ, डी वाई, जो डी वाई पार्ट है, इस डी वाई पार्ट का मास चाहिए। इसका सरकमफेरेंस कितना है? सरकमफेरेंस ऑफ एलिमेंटल रिंग कंप्लीट होती तो 2 पाई वाई लिखते, फिलहाल कितना है? पाई वाई। ये जो इसकी लेंथ है यहाँ तक की, ये कितनी है? पाई इंटू वाई के बराबर है ना। ठीक है, अच्छा इसको पकड़ के अगर हम सीधा कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है इसकी थिकनेस कितनी है? ये तो है डी वाई, और जो लेंथ है ये कितनी है? पाई इंटू वाई है। ये लेंथ है पाई इंटू वाई और ये थिकनेस कितनी है? डी वाई। इसका शेप अभी देखने में कैसा लग रहा है? रेक्टेंगल। तो उसका एरिया कितना हुआ? एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग इक्वल्स टू लेंथ कितनी है? पाई इंटू वाई, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? डी वाई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग इज पाई वाई इंटू डी वाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझे ये बात? समझ गए इतना? अच्छा, अब मुझे इसका निकालना है मास, कि मास कितना है। तो फिर एट्थ क्लास के बच्चों आ जाओ मैदान में। एम मास किसका है? पाई आर स्क्वायर बाई टू का। जो हाफ डिस्क है उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई टू। पाई आर स्क्वायर बाई टू का मास कितना है? एम। सिंस मास ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने, सिंस एरिया पाई आर स्क्वायर बाई टू का मास है एम, देयरफोर
यूनिट एरिया का मास कितना है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टू। देयरफोर वी नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। तो एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना है, पाई वाई डी वाई। तो इसका कितना हो जाएगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू पाई वाई डी वाई। तो जो डी एम आया वो डी एम है टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई वाई डी वाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और कितना आ रहा है, टू एम डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द डी एम, वाई छूट गया। हाँ, टू एम वाई डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया या इसमें कुछ डाउट है, ये वाई स्क्वायर कौन करवा रहा है, वाई का स्क्वायर कहाँ से हो गया, ये डी वाई के वाई से मल्टीप्लाई करा रहे। वो डी वाई में जो वाई है वो डी और वाई सेपरेबल नहीं है, वो डी वाई ये बताता है कि एलिमेंट है छोटा सा। ठीक है, ये मास किसका आ गया, ये डी एम मास किसका निकाला हमने, ये मास है किसका, कौन सी रिंग का, जिसका रेडियस y है और जिसकी थिकनेस dx dy है। ये मास उस एलिमेंटल रिंग का है जिसका रेडियस y है और जिसकी थिकनेस dy है। नहीं समझ आया, दोबारा देख लो। ये जो dy थिकनेस की रिंग है, इस रिंग को पकड़ के सीधा कर दिया तो ये सीधी हो गई, तो उसकी लेंथ कितनी आई, पाई इंटू वाई, और ब्रेथ कितनी आई या थिकनेस कितनी है, डी वाई। तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, पाई वाई, ब्रेथ है डी वाई, तो पाई वाई डी वाई। अब इसका मैं निकालता हूँ मास कितना होगा एलिमेंटल रिंग का, तो जो आधी डिस्क है उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई टू। आधी डिस्क का मास कितना है, एम, तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू। इस एरिया का मास है एम, तो यूनिट एरिया क्या है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टू। इसलिए पाई वाई डी वाई का मास कितना है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू पाई वाई डी वाई। और फाइनली इतना आ गया, ये तो आया मास। ये तैयारी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ लिखना है इसमें, इंटीग्रेशन। तो मैं डी एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर, डी एम की वैल्यू है 2m y into dy upon r square upon इंटीग्रेशन dm, तो लिख दिया मैंने m। अभी क्या लिखना बाकी है, y। ये y क्या होता है अंकिता, अदिति, अदिति y क्या होता है, ये y है इस dm का y कोऑर्डिनेट। ये बात पूरी नहीं है अभी, कंप्लीट बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट। ये वाला वाई है एलिमेंट डीएम के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो एलिमेंट हमारा ये था हाफ रिंग, तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, अब बीच बीच नहीं, 2y अपॉन पाई। बात समझ में आई, और तुमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि हमने बार बार ये क्यों रटवा रहे थे तुमको कि ये y जो है dm का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो dm का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था हाफ रिंग, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आया था, 2r अपॉन पाई पर। उस समय रेडियस ऑफ द रिंग कितनी थी r, तो 2r अपॉन पाई था। यहाँ पर रेडियस कितनी इसकी y, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन y, 2y अपॉन पाई। अपार, ये नहीं आया समझ में, एलिमेंटल रिंग का रेडियस कितना है, एलिमेंटल रिंग का रेडियस कितना है, एलिमेंटल रिंग का रेडियस कितना है, उधर तो नहीं देखो, कॉन्सेंट्रेट कर। एलिमेंटल रिंग का रेडियस, रेडियस की बात हो रही है, पाई पाई क्या बोल रहा है तू,
एलिमेंटल रिंग कौन सी है? ये, इसका रेडियस कितना है? वाई। तो एलिमेंटल रिंग का रेडियस है वाई, इसलिए उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 2y/π। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ, तो यहाँ y को कितना लिखूँ मैं? ये होगा 2y/π। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है वो सारा बाहर निकालो, बाहर निकालो। वाई सी एम इक्वल टू, इसमें से 2 कांस्टेंट है, ये 2 और ये 2 तो हो जाएगा 4। एम कांस्टेंट है तो बाहर, पाई आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन अंदर कितना? वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन एम। देखो इसमें कुछ छूट तो नहीं है, तो ये एम से एम भी कैंसिल हो गया और बचा 4/πr² इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई। और श्रेया लिमिट्स बताओ कहाँ तक, लिमिट्स वाई की कहाँ से कहाँ तक बदलेंगी? जीरो से r। हमने ये मान लिया है कि ये सारे जो हाफ डिस्क है कई सारे छोटे छोटे रिंग से मिलके बनी हुई है, रिंग कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? रिंग यहाँ से शुरू हो गए यहाँ तक, यानी कि वाई की वैल्यू जीरो से आर तक। तो जीरो से आर तक वाई सी एम इक्वल टू 4/πr² इंटीग्रेट करो इसको y³/3 लिमिट्स 0 to r इक्वल्स टू 4/πr² और r³/3 वाई सी एम 4r/3। फोर आर बाई थ्री पाई, ये याद करना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/3π फ्रॉम द सेंटर। कोई सवाल इस पर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में पढ़ा दिया ये? तो डेरिवेशन कौन कौन से कराए थे? रिंग और डिस्क करा दिया? नहीं नहीं, और डेरिवेशन? सुनो, ये डेरिवेशन वाला काम खत्म कर लेते हैं आज। लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ हेमीस्फेयर, हाफ हेमीस्फेयर नहीं मतलब हेमीस्फेयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फेयर। देखो हेमीस्फेयर के दो केसेस हैं, एक हॉलो और एक सॉलिड। कौन सा निकालें पहले? हॉलो, तो वही करते हैं पहले। एक काम करते हैं, दोनों साथ साथ करते हैं। इससे मालूम क्या होगा, मैं तुमको समझाऊंगा कि एलिमेंट लेने का तरीका दोनों में अलग अलग है, तो अलग अलग क्यों है तुम्हें ये समझ में आएगा इससे, है ना? तो अगर हमारे दोनों को एक साथ करें तो जगह कम पड़ेगी, इसलिए हेमीस्फीयर का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ
इन्फॉर्मेशन क्या है, मास है, मैं रेडियस आ रहा है, ये ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर कैसा है, हॉलो है, इसका मास कहाँ पर है? हॉलो हेमिस्फीयर का जो मास होगा वो सरफेस पर है केवल, और जो सॉलिड वाला है उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आई? जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसका मास ऊपर सरफेस सरफेस पर है, अंदर वाला जो पोर्शन है वो खाली है। इसमें मास क्या है? पूरे वॉल्यूम में मास है, यानी कि जब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लेंगे मास पर यूनिट एरिया, और इसके लिए क्या चीज़ लेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसके पूरे वॉल्यूम में मास होगा। बात समझ में आई? इसके पूरे वॉल्यूम में मास है, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल मास एम अपॉन इसका वॉल्यूम है कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम है क्या? कितना होगा? वेरी गुड दिव्यांशु, तुम समझ लो यहाँ पे उससे बातें क्यों कर रहे हो। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, गलत है, कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3, तो इसको हमने लिखा 3m अपॉन 2πr³। ध्यान दो, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, इसमें इसमें हम लेंगे मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल मास कितना है इसका? m, और इसका एरिया कितना होगा? 4πr², कितना एरिया है सरफेस का? 2πr² या 4πr² 2πr², आधा है इसलिए। तो मास पर यूनिट एरिया, अब हमको लेना होता है एलिमेंट। तो जब हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए कि एलिमेंट का शेप क्या होगा। एलिमेंट के शेप का मतलब ये है कि उस एलिमेंट को हम वो छोटे से लेके बड़ा करते जाएं, तो पूरी की पूरी बॉडी तैयार हो जाए, ठीक है। सुनो, जैसे ये विजुलाइज करो, जैसे कि ये हेमिस्फीयर है, खाली खाली हेमिस्फीयर है, तुमने इसको काटना शुरू किया, यहाँ से काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, क्या निकल आएगा? क्या चीज़, क्या जो निकलेंगे वो उनका शेप क्या होगा? रिंग्स होंगी। काटते गए तुम, स्लाइसेस निकालते गए, तो वो टुकड़े क्या निकले? रिंग की तरह से। और इसमें अगर स्लाइसेस करते गए तो क्या निकला? डिस्क निकला, प्लेट। इसमें डिस्क आ जाएंगी और उसमें रिंग आएगी, यानी उसमें एलिमेंट क्या होगा? रिंग लेना पड़ेगा, और इसमें एलिमेंट क्या होगा? डिस्क लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आई ये बात? इसमें क्या लोगे? रिंग, और यहाँ पर डिस्क लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी देखो, जो सिमेट्री है ना डायग्राम की, वो एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेने से काम नहीं चलेगा, इसमें भी थीटा डी थीटा ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, शेप इसका सिमेट्री यहाँ पर एंगुलर है, सिमेट्री यहाँ पर लीनियर नहीं है। इसलिए हमने क्या काम किया? एलिमेंट लेना है, देखो तो किस तरह से लेते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा, और ये हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, ये एलिमेंट क्या है? रिंग है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एलिमेंट इज ए रिंग,
इसमें भी एलिमेंट लेंगे हम इसी तरह से, लेकिन जो इसमें एलिमेंट होगा एलिमेंट होगा डिस्क। अब ये जो रिंग है इसमें हमको ऐसा लेना होगा, देखो कि ये रिंग का जो ये वाला पोर्शन है, देखो ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये जो थिकनेस दिख रही है ये कितना एंगल सबटेंड करती है यहाँ पर, डी थीटा, यानी ये एंगल है थीटा और ये थिकनेस कितनी है डी थीटा। ये डी थीटा कौन सा वाला पोर्शन है, रिंग जो थी ना यहाँ पर, ये रिंग की थिकनेस है। अब ये 3D की सिचुएशन तो विजुलाइज करना पड़ेगा, डी थीटा कौन सबटेंड कर रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो थिकनेस है इसकी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां पर तुमको एलिमेंट लेना होगा, ये जो सेंटर है डिस्क का ये y और इसकी थिकनेस कितनी ले लेंगे हम, यहां पर हम इस तरह की डिस्क बना रहे हैं एक, जिसकी थिकनेस कितनी है ये dy और ये डिस्टेंस कितनी है y। मतलब इसमें मैंने क्या लिया है, इसके सेंटर की डिस्टेंस लिया है। ध्यान दो, हम इसमें जो फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास में, इंटीग्रेशन वाई dm अपॉन इंटीग्रेशन dm लिखते हैं, उसमें y होता है dm एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो ये जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इधर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रिंग है उसको क्यों नहीं लिया हमने, यहाँ पर रिंग वाले में क्यों नहीं लिया है, एक्चुअली यहाँ पर हम इसलिए नहीं लेंगे कि जो मास हमें कंसिडर करना है ना, वहाँ पे मास तो होना चाहिए, यहाँ पर तो कुछ ही नहीं, खाली जगह है। हाँ, तो इस वाले में जब रिंग लेंगे तो रिंग के लिए हमने इधर यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, और सॉलिड में यहाँ से डिस्क लेके ऊपर तक जाएंगे, यहाँ तक स्टार्ट करेंगे। और समझो जरा इसमें, अब तुम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी डेप्थ वाली चीज है। होता क्या है कि जब मैं इसका एरिया लिखूंगा रिंग का, एलिमेंटल रिंग का, तो एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या लेंगे हम, एरिया क्या लिखे हम, चलो मैं एरिया लिखता हूं, समझते जाओ पहले, है ना, एरिया लिखता हूं, फिर मैं उसको डिटेल में समझाता हूं कि हमने दोनों में अलग अलग क्यों लिया। इसकी रेडियस कितनी है, ये वाली रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग, मैं इसको मान लेता हूँ फिलहाल x, तो इसकी रेडियस अगर ये x है तो x की वैल्यू कितनी है, देखो भाई ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये तो r है, ये कितना होगा r साइन थीटा, बात समझ में आई, इसका रेडियस कितना है r साइन थीटा, समझ में आया नहीं, समझ में, ये जो ट्राइंगल देखो ना, ये वाला और ये तीन साइड्स हैं, ये थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर कितना लिया है हमने एक्स, ये रेडियस है, और हाइपोटेन्यूस कितना है इसका, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर या रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, वो कितना है आर, तो एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा, ये समझ में आया कि नहीं। अब एरिया, इसका एरिया कितना लेंगे हम, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना जाएगा बताओ, देखो इसका एरिया ऐसे निकालोगे, इस एलिमेंटल रिंग को बीच में से काट के सीधा कर दो, तो तुमने इसको अगर सीधा कर दिया तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका, ये 2πx, ये टोटल सरकमफेरेंस कितनी हुई इसकी 2πx, और ये थिकनेस कितनी है इसकी आर डी थीटा, ये रेडियस कितना है, ये जो एंगल सबटेंडेड है यहाँ पर, ये वाला एंगल ये कितना है डी थीटा है ना, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल डी थीटा इक्वल टू ये है आर्क, और ये जो आर्क है ये किस रेडियस पर है, इसका रेडियस क्या है आर्क का आर, तो इस आर्क की लेंथ आ जाएगी आर डी थीटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब इसका जो एलिमेंट है, इसका एरिया कितना हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई एक्स इंटू आर डी थीटा। एरिया कितना हो गया? 2 पाई एक्स इंटू आर डी थीटा। बात समझ गए? एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें। एक्स की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो एरिया कितना आया? 2 पाई, और एक्स की वैल्यू थी आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो ये एरिया मिला हमको 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये एरिया आया। अब मास ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट कितना हुआ dm? वो होगा सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्या था? मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या चीज है? मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया लिखा मैंने m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। हमको जिस एरिया का मास चाहिए उस एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो ये है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। डी एम कितना आया बताओ? क्या क्या? एम साइन थीटा डी थीटा, बाकी सारा कैंसिल हो गया। तो ये dm आया m sin थीटा d थीटा के बराबर। इसको यहाँ रोकते हैं, उधर चलते हैं जरा राइट साइड में। सॉलिड में क्या हो रहा है? सॉलिड हेमिस्फीयर में जो एलिमेंट है वो एक डिस्क है। डिस्क की थिकनेस कितनी है? ये y है और इसकी थिकनेस कितनी ली है हमने यहाँ? dy। डिफरेंस देखो, यहाँ पर y इधर है और dy इधर है, किनारों पर नहीं है इसमें। इसमें y dy ये सेंटर पे चल रहा है, ठीक है? तो इसकी थिकनेस कितनी है dy के बराबर? तो मुझे चाहिए है वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअल में मास है ना, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क। अब एलिमेंटल डिस्क जो है इसका रेडियस कितना है? एलिमेंटल डिस्क जो हमने कंसिडर की उसका रेडियस कितना होगा? देखो देखो भाई, ये वाई है और ये कितना है मान लो एक्स है, तो रेडियस एक्स कितना आएगा? ये हमको पता है, ये कितना होगा आर के बराबर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रेडियस एक्स कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो सबसे बड़ी एलिमेंटल डिस्क होगी वो कहाँ पर होगी? सबसे नीचे। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डिस्क छोटी होती जा रही है। अगर सबसे नीचे वाली डिस्क लें तो उसका रेडियस कितना है? आर के ही बराबर है, तो आर माइनस आर करेंगे तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो गलत हो गया ये। नहीं, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। जब डिस्क सबसे नीचे होगी तो वाई कितना हो जाएगा? जीरो। तो y जीरो हो जाएगा तो x कितना जाएगा? r। यानी सही है। इसके बाद ये डिस्क को ऊपर ले गए, जब यहाँ पर पहुँचे तो y की वैल्यू कितनी हो गई? r। तो y की वैल्यू r रखेंगे तो x हो जाएगा जीरो। यानी सबसे ऊपर वाली जो इन्फाइनाइट पे जब पहुँच रही है डिस्क, वो बिल्कुल छोटी सी डिस्क होगी, उसका रेडियस ऑलमोस्ट जीरो है। यानी ये एक्सप्रेशन सही बनाया हुआ है हमने। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क, क्या आएगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब मैं इसमें थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 पाई r³ m/3 रो इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क। नहीं सॉरी, ये तो मास निकल आया। चलो वॉल्यूम ही निकालना, पहले वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना है? इसका रेडियस कितना है? x। तो इसका एरिया कितना हुआ? पाई एक्स स्क्वायर। और ये थिकनेस कितनी है इसकी? dy।
तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई इसका वॉल्यूम है। ये कुछ को समझ में आया है कि नहीं? ये जो एलिमेंटल डिस्क है ना, ये ऑल, इसको हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? एक सिलेंडर जैसा, जैसे सिलेंडर की हाइट कितनी होती है h, और सर्कमफेरेंस कितना है उसका, रेडियस अगर r है तो सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना होता है, पाई एक्स स्क्वायर इंटू h कर देते हैं तो वॉल्यूम आता है। इसी तरह से जो डिस्क हमने लिए एलिमेंटल, उस डिस्क की हाइट कितनी है, डी वाई, और रेडियस है x, तो सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना हुआ, पाई एक्स स्क्वायर इंटू हाइट डी वाई। हालांकि वो डी वाई कैसा है, बहुत छोटा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये पाई एक्स स्क्वायर डी वाई वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल डिस्क आ गया। बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब इसका मास चाहिए हमको, मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क। मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क डी एम इक्वल टू, वो होगा रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ये रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम था, हमको जिस वॉल्यूम का मास चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई आ गया। इतना समझ गए? क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, जगह कम पड़ रही है, रिंग करो तुम। यहां पर डीएम तक काम हो गया था, एम साइन थीटा डी थीटा। अब जो फॉर्मूला है वाई सी एम निकालने के लिए, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास तुम्हारे पास है एम इंटू वाई, कितना लिखेंगे, वाई तो वाई के ही बराबर है। ये जो एलिमेंटल रिंग हमने लिए, एलिमेंटल रिंग लिए, इस एलिमेंटल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना सेंटर ऑफ मास। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये थीटा था, ये भी थीटा है, तो वाई कोऑर्डिनेट बोलो, ये आर है, ये कितना है, आर कॉस थीटा। तो ये है इंटीग्रेशन आर कॉस थीटा, और डीएम की वैल्यू है ये एम साइन थीटा डी थीटा। बात समझ में आई कुछ कुछ? यहाँ से m और r कॉमन निकल आएंगे, तो m इंटू आर अपॉन m इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये समझ में आ गया? इतना 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा। तो इसको मैंने चेंज किया और लिखा साइन 2 थीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, और ये आर बाई 2 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा। अब मुझे थीटा की लिमिट बताओ, हम सुनो दोबारा सुनो, लिमिट निकालने के लिए करना क्या है, मैं एक बार तुमको समझा देता हूँ फिर बताना। हमने ये मान लिया है कि ये हेमीस्फेयर कई सारी छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ है, लिमिट इस तरह से लेनी है कि ये सारे एलिमेंट लपेटे में आ जाएं। तो एलिमेंट यहाँ से शुरू होकर ऊपर तक जाएगा, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ से शुरू होता है तो थीटा कितना है, जीरो, और जब ऊपर जाएगा तो थीटा पाई बाई टू, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, नहीं समझ में आया, क्योंकि पाई बाई टू लेना है। देखिए जब, अरे यहाँ देखो कॉमन सेंस लगाओ, ये रिंग जब यहाँ जाती है तो ये लाइन यहाँ तक पहुँची ना, जब सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे यहाँ तो इधर तक होगी, बस इधर थोड़े जाना है, आई बात समझ में, उधर इधर तक थोड़ी जाना है वापस। जब ये लाइन, जैसे मान ले कि ये इस लाइन के साथ में रिंग को हमने बांध दिया, तो जैसे जैसे इसको ऊपर उठाएंगे तो पूरी रिंग ऊपर उठ जाएगी ना यहाँ तक। साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन बोलो, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आर बाई फोर, नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाएगा, इंटू कॉस टू थीटा, यानी कॉस टू इंटू पाई बाई टू, माइनस जीरो रखोगे इसमें तो कॉस टू इंटू जीरो, थीटा में क्या लिमिट डाल दी हमने,
कितना है ये? नहीं यार, माइनस आर बाई फोर, ये कितना बचा? कॉस पाई माइनस वन कॉस पाई माइनस वन कॉस जीरो वन वाई सी एम इक्वल टू माइनस आर बाई फोर इंटू कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन और ये माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू आर बाई फोर, तो कितना आया आर बाई टू पर, तो इसका सेंटर ऑफ मास है आर बाई टू। याद रखना है तुमको कहाँ से है आर बाई टू, बेस से या उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से? कहीं से भी ले लो यार, क्योंकि r माइनस आर बाई टू करोगे तभी r बाई टू ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ से बेस से भी r बाई टू और ऊपर से भी r बाई टू, तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है r बाई टू के बराबर। अब निपटते हैं जरा सॉलिड वाले से, उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें कुछ पूछना है? ये लिमिट समझ में आई कि नहीं, जीरो से पाई बाई टू या पाई करने का मूड है अभी भी? देखो यहाँ पर, देख यहाँ से ये वो लाइन है जो घूमती है, रिंग यहाँ चिपकी होती है इसके, इधर चिपकी हुई है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है तो रिंग इधर आ गई, इधर आ गई, जैसे ये लाइन यहाँ हुई तो रिंग इधर आ गई, ऊपर तक सारी रिंग हो गई ना, क्लियर? और ये कहाँ तक घूमी? केवल पाई बाई टू तक घूमी है। अब जरा इस पर आना है हमको, डी एम तक तो पहुँच गए थे, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रो इंटू पाई, और एक्स की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा अंडर रूट हट गया, स्क्वायर था, इतना सही लिखा मैंने, कोई छूट तो नहीं गया? रो पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना आ गया, डीएम आ गया। अब हमको लिखना है, जो बात कर रहे हैं ना यार इनको मैं भगा दूंगा क्लास से, इधर देखो, तो वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, तो टोटल मास हो जाएगा एम के बराबर। अब मुझे बताओ कि वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई क्या होता है इसमें? डी एम का सेंटर ऑफ मास, तो इसमें एलिमेंटल मास कौन सा है? ये डिस्क, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई के ही बराबर है। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई के ही बराबर है। किसका सेंटर ऑफ मास? अदिति, ये जो एलिमेंट है ना डिस्क, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो वाई पर ही है, तो इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एम, डी एम की वैल्यू है रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन एम। अब एम कितना लिखेंगे, टोटल मास कितना लिखें इसका? अच्छा एम तो एम ही लिखा ना, रो की वैल्यू चेंज करनी है यार हमको, रो जो लिखा था ना, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, रो था एम अपॉन टू बाई एम अपॉन टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये था रो इनटू रो इनटू कितना पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू डी वाई। पाई कैंसिल हो जाएगा, ये होगा थ्री एम बाई टू, थ्री एम बाई टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन आर क्यूब। देखो भाई डी एम की वैल्यू इतनी है एम की टर्म्स में, डी एम की वैल्यू इतनी है एम की टर्म्स में, तो मैं रो हटा के डी एम की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, थ्री एम बाई टू,
3m/2 r² माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और है नीचे r³। अब ऑन r³ और इन सब के नीचे m। लो भाई ये बड़ा एक्सप्रेशन है, थोड़ा देखो कुछ छूट तो नहीं गया। अभी रुक जाओ, पहले इसको साफ सुथरा कर लो, यहाँ सफाई कर लो जरा। क्या बचा? m से m यहीं काट दो, 3 और ये 2 और ये r³ कॉन्स्ट बाहर हैं, तो 3/2 r³ को हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा r²y माइनस y³। बताओ भाई समझ में आया इतना? इसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होंगी? 0 से π/2। पहले ये देखो लिमिट रखना किसके लिए, वेरिएबल कौन है यहाँ पर? यहाँ पर वेरिएबल कौन है? यहाँ पर वेरिएबल एंगल नहीं है, यहाँ थीटा नहीं है कहीं, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? वाई है। हमने इस हेमिस्फीयर को कई सारी छोटी छोटी डिस्क से मिलके बना हुआ माना है। सबसे पहली डिस्क यहाँ पर है, फिर उसके बाद डिस्क ऊपर जा रही हैं। डिस्क जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं, एलिमेंटल डिस्क, उनका रेडियस कम होता जा रहा है। सबसे टॉप पर जो डिस्क पहुँचेगी उसका रेडियस कितना है? 0। तो लिमिट यहाँ से शुरू होगी y = 0 से y = r तक। सबसे ऊपर वाली जो डिस्क है वो कहाँ पर है? r डिस्टेंस पर है। तो लगा दो लिमिट 0 से r। कितना समझ आ गया? अब इसमें इंटीग्रेट करने के लिए इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करना पड़ेगा तुम्हें। तो YCM equals to, यार यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाले हिस्से को। यहाँ से सफाई कर दें जरा। थ्री अपॉन 2r³ इंटू इंटीग्रेशन r²y, तो ये r² को लिखो बाहर, इंटू वाई 0 to r माइनस ये वाला इंटीग्रेशन y³ dy 0 to r। चलो भाई ये तुम काम करके दिखाओ, कम से कम इतना इंटीग्रेट करो जल्दी से, उसका आंसर बताओ क्या आ रहा। समझ में आया क्या किया? ये वाली टर्म अलग, ये अलग कर दी। इस y का इंटीग्रेशन कितना होगा? y का इंटीग्रेशन 0 y²/2, y³ का इंटीग्रेशन y^4/4 करो। कितना? 3r/8। और देखेंगे किस किस का क्या आंसर आ रहा है। ये होगा, लिमिट में डायरेक्ट रख दे रहा हूं, तो r²/2 माइनस, और ये हो जाएगा r⁴/4।
3r/8, ये कहाँ से है? बेस से। इसमें ऊपर से और नीचे से बराबर नहीं है, हॉलो स्फीयर में बराबर आता था क्योंकि r-r/2 करते तो सेम आता। ये एग्जाम में आ सकता है, डिराइव करो। हाँ उसमें तो आपने डेरिवेशन तो नहीं आएगा, उसमें तुमको ये रट्टा मार के रखने फॉर्मूले ये होते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर हम r-3r/8 करेंगे तो कितना आएगा? 5r/8 आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना दूर है? 5r/8 पर। बेस से कितना दूर है? 3r/8 पर। कहाँ से पास है? बेस के पास है कि टॉप के? सेंटर ऑफ मास किसके ज़्यादा क्लोज है? बेस के ज़्यादा क्लोज है, यहाँ के इस पॉइंट के ज़्यादा पास है ना, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस हेमीस्फेयर का जो मैक्सिमम मास है नीचे की तरफ जाता है, नीचे वाले पोर्शन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ऊपर कम होता जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होना चाहिए था? नीचे की तरफ होना चाहिए था। अब वो बात आती है कि हमने जो एलिमेंट लिए ना, इसमें वाई डी वाई कर लिया और उसमें किनारे पे जाके थीटा डी थीटा किया था, उसका रीज़न क्या है? सर इसमें मास सरफेस पर ऐसे, हाँ रिलेशन फाइनली उससे देखो मैं बताता हूँ तुमको अभी। इस ये डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गया, डायग्राम पे फोकस करो बस। अब ये जो डिस्क हमने ये रिंग कंसिडर की ना, ये रिंग कैसी है? ऐसे कुछ कुछ ऐसा है ना, ये पोर्शन ऐसा है ना। और इसका रेडियस जब हम लेते हैं एक्स, तो बेसिकली वो कहाँ तक का रेडियस लेते हैं? हम यहाँ तक का लेते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा तो छूट जाता है इसमें, पहले पूरी बात सुनो ध्यान से, इसके बाद बोलना, पहले समझो जरा, कंसंट्रेशन तुम लोगों का और कहीं है। यहाँ पर जो डिस्क लिया हमने, वो डिस्क भी कुछ कुछ ऐसा ही है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन और जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये दोनों का रेडियस बराबर बराबर नहीं है, यानी किनारों पर इनका शेप जो है थोड़ा अलग हो जाता है, इस तरह से हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इस वाले हिस्से में आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है जो किनारे पर होता है ना, ये वाला छोटा सा हिस्सा। जब हम इसका एरिया लिखते हैं तो हमने एरिया कितना लिया इसका? पाई एक्स स्क्वायर। ये रेडियस कितना था? एक्स, और एरिया लिखा हमने पाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें एरर कितनी आई? इतने हिस्से की एरर आई, इतने हिस्से की एरर आई। मास तो इस पूरे हिस्से में था ना, क्योंकि ये सॉलिड है, तो मास इतने पूरे हिस्से में है, हमारी एरर एरिया कैलकुलेट करने में या वॉल्यूम कैलकुलेट करने में केवल इतनी सी आ रही है। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये छोटी छोटी इसी एरर का जो कंट्रीब्यूशन हो, कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, उतना कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चक्कर क्या है कि यहाँ पर जो मास है वो इधर है ही नहीं, इस वाले हिस्से में तो कुछ है ही नहीं, सारा का है क्या? यहाँ पर है। अगर यही एरर हो गई पूरी की पूरी, अगर हमने यहाँ पर ले लिया इसको, ठीक है, जो एक्चुअल जो हमारी रिंग है उसमें हम ये वाली चीज को एरर मान के नेगलेक्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टोटल मास ही इधर है। इस वाले केस में सारा मास इधर नहीं है, मैक्सिमम मास कहाँ पर है? इधर है, ये वाला हिस्सा है, मैक्सिमम मास ये वाला हिस्सा है, इतनी सी एरर आ रही है, चल जाएगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर ऐसा किया तो सारा का सारा जो मास है वो तो मास ही इधर है ना, हॉलो वाले में, वो इस वाले हिस्से में तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसको नेगलेक्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता।
इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मेन पार्ट ये है। इसमें इस वाले केस में जो मेन पार्ट है इस एलिमेंटल डिस्क का, वो मेन पार्ट केवल इतना सा नहीं है, वो मेन पार्ट तो ये इतना बड़ा है, उसमें से इतने से में ही एरर आई तो वो चल जाएगा। लेकिन जब एलिमेंटल रिंग कंसिडर करते हैं तो जो रिंग हम कंसिडर करते हैं तो रिंग तो यार खाली चीज़ है ना, सॉलिड थोड़े है, तो उसमें जो ये वाला पोर्शन होता है हम सोचेंगे इस वाले पोर्शन को छोड़ दें बाकी कंसिडर कर लें, लेकिन बाकी तो है ही नहीं क्योंकि सारा कुछ तो यही है। सारा मास कहाँ पर है? यही तो मास है टोटल हमारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो टोटल मास है इसमें वो टोटल मास तो यही है, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यही लेना पड़ेगा। इस वाले में ये क्यों नहीं लिया कि हम इस वाले में यहाँ पर एलिमेंट लेते तो बाकी को छोड़ देते? ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मेजर पार्ट है मास में, जो मेजर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस हिस्से का है? इस वाले हिस्से का है। तो जो ये वाली एरर आती है इसको हम इसमें नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में तो जो मेन मास है, सारा का सारा एलिमेंट है, उसका मास कहाँ पर है? इसी हिस्से में है, क्योंकि ये बीच में तो खाली जगह है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए दोनों में एलिमेंट जब हम लेंगे तो दोनों के एलिमेंट को लेने का तरीका अलग अलग होगा। ऐसे ही अभी मैं उसका डेरिवेशन करा नहीं रहा हूँ, ये तुम लोग ट्राई करना। जब हम कौन कंसिडर करेंगे तो एक होगा हॉलो कॉन और एक होगा सॉलिड, ये एलिमेंट लेंगे। तो अगर ये सॉलिड कौन है तो एलिमेंट क्या लेना है? डिस्क। तो उस डिस्क को कहाँ से लोगे आप? वाई, और ये डी वाई ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये हॉलो कॉन होगा और आपने एलिमेंट लिया यहाँ पर, तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा यहाँ से। मान लो ये y है तो ये dy लेना चाहिए, अगर ये y है तो ये dy लेना चाहिए। किसके लिए लेंगे? हॉलो के लिए। और सॉलिड के लिए लेंगे ये वाला, ऐसे। कुछ कुछ समझ में आया कि ये एलिमेंट को हम ऐसा क्यों लेते हैं, हॉलो में अलग क्यों लेते हैं, सॉलिड में अलग क्यों लेते हैं? ठीक है, तो ये अब तुम्हारे लिए एक मान के चलो होमवर्क है, या दूसरा इसका डेरिवेशन का मूड हो तो कर लेंगे, नहीं तो इसका रिजल्ट ही याद रखना, वही इम्पोर्टेंट होता है। नहीं नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी तो या सुनो, जो डेरिवेशन वाला पार्ट था आज ये हमारा मेन कंप्लीट हुआ। ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसकी डेरिवेशन करने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो मैं स्कूल के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको याद होना चाहिए केवल इनके रिजल्ट या फॉर्मूले याद होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है। तो डेरिवेशन वाले पार्ट को हम करते हैं यहीं ख़त्म, और इसके आगे जो एक्चुअल क्वेश्चन वाली चीज़ है उस जिसमें कि मज़ा आता है वो वाला पार्ट